बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मल्टी अमेजिंग वीडियोस चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। मेरे में यहाँ पर कम्पटिशन चल रहा है और बहुत ही अच्छी यूनिक ब्रीड्स यहाँ पे सिंध की आई हुई हैं। तो व्यवस्था ये रईस अलादीन तो चांदियो साहब की बकरियां हैं, इनके पास पटेरी का भी शौक है और ये भी इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा सर, पटेरी बकरियां भी लेकर आए हैं या यही से लेकर आए? पटेरी नहीं, आज काली चूसी लेकर आए। मैंने बोला जनस का भी दीदार कराऊं बंदों को। हाँ, मैं उधर आपके पास आया था तब ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी शायद। अच्छा, तो ये कितने अरसे से आप शौक कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए पटेरी में, 35-36 साल हो इसको। 10 साल हो गए। अच्छा, ये जो काली चूसी है ये भी जातन है ना? जातन नस्ल है। अच्छा, तो इसमें और जातन की जो पॉइंट्स होती हैं उसमें सिर्फ कानों का फर्क है या और कुछ नहीं? कानों का फर्क है, दूसरा कोई भी फर्क नहीं है। नकोट वही है, कलर सागी है, बाकी अच्छा। इसका फर्क सिर्फ कानों के छोटे। अच्छा, ये भी अलग से चूसी ब्रीड है या उन्हीं में से? क्रास उन्हीं से करवाया है, जातन में से। क्रास भूरी जातन से क्रास काली का करा है। ये जो चूसी ब्रीड है इसमें कितने कलर आते हैं? इसमें मेरे ख्याल में 5-6 कलर आते हैं। 5-6 कलर आते हैं। कौन कौन से इसमें? एक कलर तो 3 है, पर जो एक अच्छी वो मिक्स में जो आते हैं छोटी है, बाकी कबरी होती है कलर की। वैसे इनके 3 कलर जो है वो कौन से हैं? एक ब्लैक, एक काली, हाँ भूरी, गोल्डन। हाँ गोल्डन, हाँ जी अच्छा। और सफेद? हाँ सफेद। अच्छा, तो इस ये सारे जो कलर हैं उनमें इनका मुंह सफेद होता है? हाँ, मुंह इनों का ही होता है, यही होता है। रोमन नोज होता है और यही ये फुल, हम फुल बोलते हैं इसको। अच्छा, फुल होते हैं। सही, जैसे छोटे छोटे ये देख रहे हैं आप, ये फुल। जी जी, हाँ ये फूल इस पे जो बने होते हैं डार्ट। अच्छा सर, आपके नंबर के लिए मुझे बहुत से दोस्तों ने बोला था, तो आप अपना नंबर शेयर कर दें तो बढ़िया। 0342 जी 38-72-122। बड़ी मेहरबानी सर। आज किससे मुकाबला है इस ब्रीड की? और ये बस लेके आया हूँ, कोई भी मुकाबला करेगा तो हम तैयार हैं। ऐसी हैं सही यहाँ पे मेले में? नहीं नहीं नहीं, और नहीं है। जब जिधर भी जाते हैं पहला नंबर आती है। अच्छा चलें, बड़ी मेहरबानी सर। तो व्यस ये जो ब्रीड है यहाँ पे सिर्फ ये अल्लाडी तो चांडियो साहब ही लेकर आए हैं और कोई नहीं लेकर आया यहाँ पे। तो ये बिना मुकाबले पहला पहली पोजीशन हाँ। हुई इनकी तो 5-10 पहले भी किए। अच्छा, पहले कौन कौन से मुकाबले, कहाँ कहाँ? 8-10 किए, पहला नंबर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ कहाँ पे पहले कंपटीशन लेकर गए? सेकंड में किया है, उधर अपना सचल साईं की दरगाह में किया है, हैदराबाद में भी लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिधर भी आए माशाल्लाह ये पहला। अच्छा, नंबर आया, ये बहुत पसंद भी आया। चुस्सी जातन का शौक किया आपने, वो जो जातन है उसका शौक नहीं किया आपने? नहीं, उससे ये माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत चीज का शौक है। ऐसी आपके नजर में किसी और के पास ये जो जैसे चुस्सी जातन है, कोई और भी इनका शौक कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कम है इनका शौक। अच्छा, अभी बढ़ रहा है। अच्छा, अभी बढ़ रहा है। ये दूध कितना देते हैं? दूध कितना देते हैं? दूध इसमें बहुत है माशाल्लाह। वैसे जातन बोलते हैं कि दूध ज्यादा देती है। दूध देखो, ये भी आई है तो पहला मर्तबा। इसका आर्डर चेक करें, ये अभी अभी इसने बच्चा दिया है, ये आप हवाना चेक कर सकते हैं। पहला नहीं ये? हाँ पहला नहीं, पहली मर्तबा बच्चा दिया है इसने। तो 2-3 किलो तक ही है। अच्छा, पहला नंबर है माना दूध में, सारी बकरियों में ये पहला। दूध में हाइट लेंथ में वो जातन और ये चूसी जातन सेम ही होती है, बाकी सिर्फ इनका कानों का फर्क होता है। कलर जो उसमें आते हैं वो कलर इसमें भी आते हैं। अच्छा चलें, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो बस यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि वाइट टैपरी ब्रीड की जो कंपटीशन में जो बकरियाँ लाई जाती हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि कंपटीशन में आप इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें होते हैं। कान इनके जो खड़े होने चाहिए, मुंह बिल्कुल छोटा होना चाहिए और सींग जो है इसमें दो शौक चलते हैं। एक ये जैसे आप देख रहे हैं इस बकरी के और इस ब्रीडर के स्ट्रेट में सीधे सींग, और इनमें खुले सींगों में भी शौक होता है। वो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जैसे पट है इसमें ये खुले सींगों में भी ऊपर जाके सींग खुलते हैं इनके, ये भी शौक में आती हैं। लेकिन इनके पॉइंट्स जो होते हैं वो मुंह से और इनके जो कान हैं उनमें नोट किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा मुंह होता है इनका, जितना मुंह छोटा होगा, जितनी बकरी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा वो शौक में अच्छी मानी जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैंजी वाली बकरी हुई?
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। ये कितने अरसे शौक कर रहे हैं आप? मेरे को तो समझ लगा था उससे शौक मेरा है जी। मैं छोटा था उससे शौक आप मेरा। छोटे थे यानी कि आप आज आजाद से ये शौक जी, जी, आपका। साल से शौक। अच्छा, कौन से इलाके में है आप? मैं सांगर जिले में। सांगर जिले के कौन से इलाके में रहते हैं? इधर ही रहते? नहीं, आपकी रिहाइश कहाँ पे? दरगाह तलाश है। इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। अच्छा, चले, बड़े मेहरबानी सर। तो यस, ये यहीं से ही बिलोंग करते हैं तिल्ला शाह से, और बहुत अरसे से ये शौक कर रहे हैं इनका। तो यस, यहाँ पे दुम्बे भी आए हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये फीमेल है इसकी, ये आप चेक करें। तो उधर इनका जो मेल खड़ा हुआ है वो भी बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। भाई को मैंने बोला है कि थोड़ा बाहर निकाल के दिखाएं हमें। ये गोल्डन ब्राउन कलर में है, और माशाल्लाह हाइट लेंथ इनकी चेक करें। वैसे आप दुम्बे देखते रहते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट लेंथ है वो उनसे तकरीबन डबल में है। और ये पीछे से इनकी चक्की भी चेक करें। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खालिद मरी। कहाँ से आए आप? नजीर कैम खानी। ये शौक और भी हैं दुम्बे आपके पास या ये सिर्फ दो है? और भी हैं। कितने आपके पास हैं? हमारे पास 40 है। कितने अरसे से शौक कर रहे हैं आप इनका? दो साल हुए। इधर आ जाएं। अच्छा, ये आप नरमादी लेकर आए हैं यहाँ पे? जी हाँ, दो लेकर आए हैं। इनमें शौक के लिहाज से कौन सी चीजें देखी जाती हैं? नहीं, इनकी यानी वजन ज्यादा होना चाहिए इनका। जी जी। अच्छा, वजन ज्यादा है। और ये सींग जो मुड़े हुए हैं आपने काटे हुए हैं इसके? हाँ, ये काटे हुए हैं यहाँ। अच्छा, अंदर आ जाते लग जाते हैं क्या? अंदर लग जाते हैं। अच्छा, इसके सींग नहीं है? नहीं नहीं, इसके नहीं है। इसके सींग नहीं है, और ब्रीडर के सींग है। भाई को उर्दू इतनी ज्यादा नहीं आती। और बकरियाँ कौन से नस्ल की आपकी? ये गुलाबी है? जी नहीं, वो बकरा पटेरा है। अच्छा, बस ये बकरा चेक करें। और ये बकरियां हैं इनके पास, माशाल्लाह। इसका मुंह पे देखें, बाल वगैरह झालर बनी हुई है बालों की, और इसके कान झालर। चले सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो यस, ये ब्रीड चेक करें, भाई से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? दानिश हुसैन। दानिश हुसैन, ये कौन से नस्ल की बकरियां हैं और कितने अरसे से शौक कर रहे हैं आप? ये तो साल का हुआ है हमें। अच्छा, ये गाड़ी पटेरी है। सदर टापरी इसी को कहते हैं या वो और अलग से? ये गाड़ी सदर है। अच्छा, ये लाल सदर है जी। अच्छा, कौन से इलाके में आपका शौक? ये हम ये झोल से आए हैं। झोल से आए हैं आप? ये कितनी बकरियां आपके पास? यही है या इसके अलावा और भी है? यही है हमारे पास। यही है आपके पास? चलें, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। तो यस, ये भाई का शौक है, ये तकरीबन एक साल से ये शौक कर रहे हैं। और ये इसको गोल्डन सदर टापरी भी कहते हैं, और ये लाल सदर भी कहते हैं इसको। बहुत से नाम हैं सिंधी में। वैसे ये भी टापरी में आती है, जैसे अजरक की टापरी होती है वो इसमें थोड़ा, और अजरक की जो टापरी होती है उसका कलर डार्क होता है और इसका ब्राउन होता है। इसको अजरक की टापरी भी कहते हैं, सदर टापरी कहते हैं, और फिक्की टापरी भी कहते हैं इसको तकरीबन। तो इंशाल्लाह वीडियो ये लंबी हो रही है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत लंबी हो रही है, तो आपको पता है कि मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से मैं 8-9 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे 4-5 वीडियोस और भी बनेंगी। बहुत सी तादाद में माल आया हुआ है यहाँ पे। ये सारे जो पीछे आप टेंट देख रहे हैं, इन सब टेंट्स में तकरीबन बकरियाँ ही बकरियाँ हैं, और अलग अलग नस्ल की बकरियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी हैं। ये आप देख रहे हैं तिल्ला शाह का मेला है, और सामने घोड़ों की दौड़ भी होगी इंशाल्लाह। वो जो घोड़ों का शौक रखते हैं उनके लिए अलग से घोड़ों की वीडियो भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाज़त, और आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने में कामयाब हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।